नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहली बार बहुत दूर ब्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं। मतलब हमारे नया शिवलिंग बना है जो नौगांव में, वो जा रहे हैं और हम चार लोग जा रहे हैं साइकिल में जा रहे हैं। तो लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, तो हम चारों मिलकर एक साथ राइड कर रहे हैं। चारों साइकिल है, मैं देखे जा पाते हैं कि नहीं, हमें तो खुद पर यकीन है कि हम जाएंगे। हाँ, पता नहीं आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे, तो अभी हम निकल चुके हैं और अभी तो रास्ता सही है, लेकिन बाद में क्या होता पता नहीं, चलो देखते हैं। आगे हमारे और तीन साथी के साथ लोग मैं भी निकल चुका हूँ। चलो चलते हैं, और वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, कुछ देर में हम हाईवे पकड़ लेंगे, तो हाईवे में जाने के बाद थोड़ा मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। जल्दी जाएंगे, तो बने रहे वीडियो में, आगे तक देख लीजिए। हम अभी हाईवे में हाईवे बोले तो नहीं, तो गाइस हम हाईवे में आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। हाईवे में हमारी स्पीड और भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब खुद के विल पावर में, विल पावर में हो जाएगी स्पीड। तो आगे देख वीडियो में बने लिए, चलो देखते हैं। करता है तू तो कुछ देर बन रही है वीडियो में, आगे दिखने के लिए, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मृत्युंजय टेम्पल है। पता नहीं वो कितना बड़ा है, लेकिन जाने के बाद पता चल जाएगा हम लोग। चलिए देखते हैं आगे तक वीडियो में बन रही। हम अभी भल्लुकमारी नहीं वाले हैं, भल्लुकमारी तक मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। हमें भल्लुकमारी पहुँचने ही वाले हैं, पहुँचने वाले मतलब पहुँच ही गए। हम थोड़ा देर के लिए रुके हैं क्योंकि हमें अपना जैकेट उतारना था, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, तो जैकेट उतार के हम फिर से राइड शुरू कर देंगे। A few moments later. तो हे गाइस, लगभग हमने हाईवे पर 10 या 12 किलोमीटर तय कर चुके हैं और बाकी लगभग 60 किलोमीटर, तो हम जल्दी से जल्दी वो तय करना चाहिए। सो गाइस, मैं एक चीज़ आप सबको दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत ही मशहूर है, मतलब लंका में बहुत मशहूर है, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तब बहुत लो हो चुका है, तो हमने थोड़ा रुकने का फैसला किया है, तो थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से हम शुरू कर देंगे साइकिल चलाना। ये तो भाई थोड़ा तो रुक लो, हो गया 4-5 घंटे लेट आ रहा है ये भाई, बहुत ही थक चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं हम।
और ये तो सुसु कर रहा है, ये देखो हो गया, आजा जल्दी। सो गाइस वीडियो में बने रहना, ठीक है ना, मतलब क्योंकि हम पहली बार साइकिल में बहुत दूर जाने का सोचे थे और वो हम कर रहे हैं। चलो देखते हैं हम पूरा कर पाते हैं कि नहीं। One eternity later. सो गाइस हम फिर से साइकिल चलाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि हमारा थोड़ा स्ट्रेंथ अब थोड़ा हाई हो चुका है, मतलब थोड़ा स्टे किया, कुछ खाया, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं। देखो ये भाई भी चल रहा है साइकिल में, तो चलो। और सामने दो बंदे हैं, बंदे नहीं मतलब दोस्ती है, बंदे ही है। देखो ये दोनों ब्रदरहुड आर्मी, नया नाम ने। मंजिल बहुत दूर है और हमें जाना है आज ही, और आज ही रिटर्न आना है। एक स्टोर पे रुके कुछ खाने के लिए, तो देखते हो क्या मिलता है, ओ आर एस मिलता है कि नहीं, चलो देखते हैं। ओ आर एस हमारी एनर्जी और भी बढ़ा देगा, ओ आर एस प्लस। सो गाइस ओ आर एस खाना हो चुका है अभी, तो उसको फेंक के गाइस देख सकते हैं नौगांव पहुंचने के लिए और 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मतलब बहुत थक चुके हैं। और अभी नौगांव में अभी अभी एंट्री की है, तो जाने के लिए बहुत हो रहा है, क्योंकि साइकिल में पहली बार हम लोग बहुत दूर जाने के लिए सोचे, मतलब हमारे लिए बहुत ही दूर है, क्योंकि पहली बार ही हम साइकिल में इतनी दूर जाने के लिए प्लान किया है। तो वीडियो में आगे देखते रहिए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा 40 किलोमीटर दूर है, तो हमें रुक रुक कर जाना पड़ेगा। सो गाइस हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं, क्योंकि सबको थोड़ी सुसु भी आई थी, और पानी वानी पियेंगे हम सब, तो सब देखो ये भी पानी पी रहा है, ये देखो। हाँ टीप मारते है सो, मैं भी पानी पी लो, दे जल्दी पानी पीना है, मैं पानी पी लो, कोई गाड़ी ले आई तू नहीं, वरना इसका लाइन से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं साइकिल ठीक करने के लिए, साइकिल पे तेल उल पामून देने के लिए, तो बहुत बहुत ये लगे, ये लोग हम लोग का दादा, ये रहा तीनों दादा साइकिल ठीक करेगा अभी, ये रहा। तो हम लोग अभी कहाँ पर है मालूम नहीं, जगह का नाम चाचा जी से पूछ रहे थे, चाचा जी है, चाचा जी इन्हें नाम की जगह का नाम की मदारतोली मिकिर गाँव पे है हम लोग अभी भी, तो हम लोग को जाने में अभी 3-4 घंटा और लगेगा, तो हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मेरा तो हालत पूरा टाइट हो चुका है, फिर भी मुझे जाना है, मेरा अंदर में जोश है, जोश मुझे जाना है, तो आप लोग बने रहो। तो गाइस हमारे साइकिल में अभी सीट कवर लग जाएगा और ये अंकल लगा देंगे। तो क्या हमें कंफर्टेबल मिले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, कंफर्ट मिले तो हो गया हमारा कंप्लीट। हमारा साइकिल रिपेयरिंग हो चुका है, अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे और दूर जाने के लिए, तो चलो।
3 hours later. गाइस हमने एक मंदिर में आ चुके हैं, मतलब रास्ते में मिला था हमको, तो हम लोग देखने के लिए रुक चुके हैं। ये मंदिर है, जगह का नाम जबड़ाकुआ है। तो इस मंदिर का नाम क्या है पता नहीं, अंदर चल के देखते हैं। लेकिन बस हम लोग नहीं मंदिर। ये देखो हमारे भोले बाबा, ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना, सूरज की किरण आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जाने। गाइस बहुत थक चुके हैं अभी और बहुत दूर जाना है, तकलीफ हो रही है बहुत। ये रंगमंग शिव मंदिर है जहाँ हम लोग हर साल भोले बम में भी आते हैं, भोल बम में। तो ये देखो मंदिर, अभी यहाँ नहीं घुसने वाले क्योंकि हमें बहुत ऐसे ही बहुत देर हो चुकी है, अभी आगे का रास्ता तय करना है पूरा, उसके बाद ही आते वक्त देखेंगे, टाइम रहेगा तो जाएंगे अंदर, वरना नहीं जाएंगे। हमें मेन अपनी हम जिस मंदिर में जाना है वहाँ जाते हैं पहले, उसके बाद ही देखते हैं। हम कुछ खाने के लिए रुक चुके हैं, तो खाने के लिए ब्रेड लेंगे, केला लेंगे और कुछ लेंगे जो हमारे हमारे हमें आगे तक सोने के लिए मदद कर देगा। तो देखते हैं, मैं ये दुकान में दिखा देता हूँ। क्या लिया दिखा दे, सो गाइस हम यहाँ पर रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में हमारे लिए क्या लिया है, केक है, ब्रेड है और केला है। तो हम इसको खाने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो गाइस आते हैं। One eternity later. So hey guys, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम सब निकल चुके हैं फिर से अपने मंजिल की ओर। तो हमारी मंजिल अभी भी लगभग 26 किलोमीटर दूर है। हमारे एक दोस्त के पैर पे का काटा घस चुका है वो, कैसे क्या हुआ भाई, इतना पड़ेगा सच्ची सी है। कर लो अपना मन मर्जी कर लो, मैं जा रहा हूँ। सच्ची सी है तारीफ जान दी, देखते नहीं मोबाइल। सो गाइस गाइस, तो हम लोग का फैन फॉलोइंग का जो सब्सक्राइब लोग, हाय बोल दो एक बार, हाय बोल दो। हाँ ये लोग हम लोग का फैन फॉलोइंग है, तो आप लोग रास्ते में मिल गए जो, तो इन लोगों को मीट करके चला। कैसा लगा मेरा मजाक? बाय बाय। है यार।
2000 years later. हम गांव वाले रास्ते पे आ चुके हैं, हाईवे से बाईपास में जा रहे हैं। अब इधर से थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है। तो इस वीडियो में बने रहिए। इलाका है, बहुत ही अच्छा है ये इलाका, बहुत ही पसंद आया मुझे। गाइस हम कुछ ही दूरी पर रहे और 11.55 किलोमीटर दूरी पर, 9.2 किलोमीटर हट ओ सॉरी 9.2 किलोमीटर दूरी पर है हमारी मंजिल। क्या ही बोलूँ अब, इतनी खुशी क्या ही बोलूँ, आज तक नहीं हुई इतनी खुशी मुझे आज तक। सो गाइस हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुक चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए मैंने शू भी उतार लिए और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं इधर। कुछ देर में हम भी निकल जाएंगे इधर से भी। A few moments later. हम लोग अब नहाने जा रहे हैं, नहा के फ्रेश होके उसके बाद पूजा करेंगे। उसके बाद लाइन को खड़ा करना पड़ेगा। पूजा करने के बाद हम यहाँ से वापस निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग एक आंटी के घर पे आ चुके हैं जहाँ हम नहाएंगे, उसके बाद फ्रेश होके अच्छे से मंदिर में जाके पूजा करेंगे। हम लोग तो घर से नहा के आए थे, फिर भी नहा लिए तो कपड़ा वपड़ा लाया, नहा लेता हूँ फ्रेश होके, फिर मंदिर पर जाता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ फ्रेश होके। आप लोग मेरे साथ बने रहे। हम लोग ने नहा लिया और नहा के फ्रेश होके निकल चुके हैं इस आंटी के घर से और अब जाएंगे मंदिर में। मंदिर में जाके पूजा के लिए सामान खरीदेंगे, उसके बाद हम पूजा करेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। देखो सबको फ्रेश हो चुका है, आइटम आइटम। हम लोग अभी पूजा का सामान ले रहे हैं, पूजा का सामान लेके पूजा करने जाएंगे। पूजा का सामान आप देख लो। चल One eternity later. Lehri babu. Kya pujan kara wala banda kar diya. Aage dikhe. A few moments later.
প্রসাদ কই লাগাই না অনই রাখিয়া তুই অন্তকে উঠে লে আমার পরে খেদাইব অন্তকে হবে গুড়া গুড়া গুড়াইলে আমি আমার কথা কই এর লগে হেরে বুঝি আমার কইছি লাগতে পারে টাইম তোর ভগবান A few moments later. One eternity later. हम अभी अंदर जाने वाले हैं अंदर जाके फल चढ़ाएंगे थोड़ा और आज अभी फोटो यहाँ से गाइस मधुमक्खी छत्ता हम लाइन पे बहुत देर से खड़े हैं लगभग 10 मिनट हो चुका है बहुत ही लंबा लाइन है इसलिए बहुत वेट करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए तो अंदर जाते जाके आप सबको दिखा देंगे अंदर लाइनें भी बहुत कम हो चुकी है अभी कुछ ही देर बाद हम अंदर चले जाएंगे 2000 years later अभी कुछ ही दूरी बाकी है ये देखो छोटा सा लाइन है जाएंगे हम अंदर आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरी नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था क्या समय क्या प्रलय
सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतिया हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा, मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। हवन कुंड है, यहाँ पर हवन होता है, किसी को भी पूजा कराना है तो यहाँ पर पूजा करा सकते हैं। देखो One eternity later. तो हेलीपैड भी है जिसमें हेमंत विश्व शर्मा भी उतरे थे, तो मैं भी दिखाना चाहता हूँ आप सबको। हेलीपैड खड़ा हुआ है, देखो आप लोग। यहाँ पर मतलब हमारे हेमंत विश्व शर्मा जब उतरे थे तब यहाँ पर उतरे थे। ये देखो दो दो जगह है। हम मंदिर से निकल चुके हैं और साइकिल लेके बहुत नहीं थोड़ा दूर भी आ चुके हैं। मैंने पहले बोलना भूल गया था, तो अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं। अभी घर ही जाके सोएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी निकले थे हम सब। ये देखो बहुत टायर्ड हो चुके हैं हम सब, क्योंकि इतनी दूर साइकिल लेके आना बहुत ही कष्टदायक था। क्या बोलते पब्लिक, मचाएंगे। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोड़ा जोरी। यो प्रीत मेरी है ने गोरी चुलबुली, करे जो छक जोरी। भी आई तो आजा जल्दी आजा। किरण आने दे आने दे, वो बोल रहा है उसे कैमरा में ले लिया मैंने। आगे जा। ओए अभी बीच रास्ते पे है और यहाँ अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। मेरा फेस भी नहीं दिख रहा है, देख लो। देखो इसका फेस देख लो, ये रहा कहाँ पर है, ये रहा इसका। हाँ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है लेकिन इसको इग्नोर कर दो। ये रहा तेरा को क्या ही बोलूँ अब। सो गाइस हम लोग नौगांव से जाके आ चुके हैं और हम अभी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारे दोस्त भी हैं, खड़े पर हैं। हालत पूरा हालत बहुत ही टाइट है, क्या ही बोलूँ आज। अजय दा आजा, कुछ बोल दे व्यूअर्स को। आजा तू भी कुछ बोल दे व्यूअर्स को, कुछ बोल दे भाई। अभी टाइम कितना हुआ है? 10 बज गए। अभी टाइम हुआ है 10:08 बज गए। अभी आके घर में पहुंचे हम। तो गाइस ये रहा प्रसाद, जो प्रसाद था उन लोगों का भी देना है, इसलिए इसने मुझे भर कर मैंने निकाला बैग से इसके लिए। चलो गाइस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप जरूर आके हमें सपोर्ट कर लेना।